तो हमारे पास तीन फोटोज़ है। पहला फ़ोटो के साथ एक वाटरमार्क है जिसे हमें रिमूव करना है। सेकंड फोटो में कोई वाटरमार्क तो नहीं है मगर नीचे एक डेट आप देख सकते हो, इस डेट को रिमूव करना है। एंड तीसरे फोटो में सब कुछ ठीक है मगर ये कहाँ से एक रेड काउ आ गया, तो हमें रेड काउ मिल्क रेड काउ नहीं चाहिए, तो इसे हम रिमूव करने वाले। तो इसके साथ साथ हम बहुत सारे वीडियोज़ देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये फॉर एग्जाम्पल एक टिकटॉक है, तो एक टिकटॉक मैं प्ले कर देता हूँ। तो वीडियोस देखना आप सभी को पसंद होता है, चाहे वो टिकटॉक हो या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स हो या फिर हमें कोई व्हाट्सअप पे स्टेटस देना है, ये सब भी लोगो आ जाते हैं। तो सब कुछ रिमूव कर सकते हैं सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है एंड वहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएगा। सो कौन सा प्लेटफॉर्म कैसे करना है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो वेबसाइट का नाम है hitpower.com, इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे एंड पिंड कमेंट में, आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं, बिल्कुल ही फ्री है। तो उसके बाद से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ आपको कैसे करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे पॉपुलर टूल्स मिल जाएगा, आप फोटो से वाटरमार्क रिमूव कर सकते हो, वीडियो कार्ड, आप टिकटॉक का वीडियो का वाटरमार्क रिमूव कर सकते हो एंड बहुत सारे ऐसे आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे। मैं आपको लाइव दिखाऊं कैसे काम करते हैं। सबसे पहले हम करने वाले जो मैंने आपको पहले दिखाया तीन फोटोज, ये फोटोज को करने वाले। सबसे पहले हम फर्स्ट फोटो करते हैं, हम वाटरमार्क रिमूव करने वाले। तो हम क्लिक करना पड़ेगा रिमूव फोटो वाटरमार्क पर, हम यहां पर आ जाएंगे। देन आपको क्लिक करना पड़ेगा रिमूव नाउ पर। तो जैसे हमने यहां पर क्लिक किया, आपको यहां पर ये फोटो अपलोड करने को बोल रहा है, तो मैं क्लिक करता हूं चूज इमेज पर एंड हम ये वाला फोटो मैं क्लिक कर रहा हूं ओपन। तो ये वाला फोटो हमारा अपलोड हो गया, मतलब ऊपर हो रहा है। एंड कितना इजी है दोस्तों, आप देख सकते हैं कितना इजी है। ये हमारे पास एक ब्रश है, बस आपको जो भी पार्ट रिमूव करना है उसको वह ब्रश करना है। बस मैं एक ही ब्रश करूँगा, एक से लेकर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने क्लिक किया ऐसे स्वाइप कर दिया, बस कुछ नहीं, बस इतना ही करना है। देन आपको क्लिक करना पड़ेगा रिमूव पर। तो मैं जैसे रिमूव पर क्लिक करता हूँ, ये अभी प्रोसेसिंग हो रहा है, यानी कि पूरा का पूरा वाटरमार्क रिमूव कर देगा एंड पूरा का पूरा फोटो यूजेबल हो जाएगा। आप चाहते इसका ब्रश का साइज कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एंड तो 2-3 सेकंड के अंदर हमारा पूरा का पूरा वाटरमार्क रिमूव हो गया। आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है। एंड आप इजीली यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करके इस फोटो को डाउनलोड कर सकते हैं। देख सकते हो हमारा ये फोटो अभी डाउनलोड हो चुका है एंड इस पर कोई भी वाटरमार्क नहीं है। आप बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं, मैं क्लिक करता हूँ ओरिजिनल इमेज पर, तो बिफोर एक कुछ ऐसा था एंड आफ्टर एक कुछ ऐसा है। तो चलिए हम नेक्स्ट फोटो की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट फोटो हम क्लिक करते हैं चूज इमेज एंड ये वाला है हमारा, इसे डेट को रिमूव करना है। तो डेट तो अभी दिख नहीं रहा, मैं जूम आउट कर देता हूँ एंड ये रहा डेट जो कि हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। थोड़ा जूम इन कर तो बहुत ज़्यादा आउट हो गया, थोड़ा और हो गया, थोड़ा साइज़ हम ब्रश का थोड़ा कम कर लेते हैं, हाँ ये ठीक है। एंड इसको आपको डेट के ऊपर ऐसे एक बार करना है और कुछ नहीं। देन आपको क्लिक करना पड़ेगा रिमूव, जैसे कि हमने पहले वाले फोटो के साथ किया है। एंड आपको 2-3 सेकंड वेट करना पड़ेगा, आपका डेट रिमूव हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, फोटो बिल्कुल जैसे था वैसे ही हो जाएगा एंड आपको कोई भी पता भी नहीं चलेगा। एंड फोटो आप हाई क्वालिटी में डाउनलोड भी कर सकते हैं। एंड ये थोड़ा 2-3 सेकंड से ज़्यादा टाइम ले रहा है मगर कुछ नहीं, काम सेम आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी इजीली हमारा डेट रिमूव हो गया है। एंड आप इस फोटो को कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, फिर से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड फाइनली हम डॉगी वाला इमेज का कर लेते हैं। तो हम अभी डॉगी वाला इमेज कर लेते हैं सिलेक्ट एंड क्लिक कर लेते हैं ओपन पर। तो ये हमारा डॉगी वाला इमेज आ गया, कितना अच्छा लग रहा है मगर रेड का आ गया, तो इसे हमें रिमूव करना है। तो इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ एंड ये हमारा ब्रश थोड़ा सा छोटा एंड इसके ऊपर आपको इस काव के ऊपर ब्रश लाना है, जैसे कि मैं देख रहा हूँ ये वाला ऐसे करके। तो कितनी इजीली हो गया, अब आपको क्लिक करना पड़ेगा रिमूव पर। तो क्योंकि अभी फोटो अपलोड हो रहा है तो रिमूव वाला बटन काम नहीं कर रहा है मगर ये अभी काम कर रहा है। तो अब क्लिक करते हैं रिमूव पर एंड कुछ सेकंड तक वेट कर लेते हैं, हमारा पूरा का पूरा फोटो यूजेबल हो जाएगा एंड एक काव यहाँ से रिमूव हो गया। कितनी ईजिली, आपको कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि यहाँ पर कोई काव था। आप दूर से मैं जूम आउट कर लेता हूँ, कितना अच्छा लग रहा है फोटो एंड इसको मैं ओरिजिनल इमेज पर क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं पहले ऐसा था एंड बिफोर आफ्टर देख सकते हो एंड इजीली आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एक और आपको इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, उसके साथ साथ आपको बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं, तो एक और फीचर आपको दिखा देता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर कर लेता हूँ लीव एंड यहाँ पर एक चीज़ है बैकग्राउंड चेंज है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा एंड काफ़ी रियलिस्टिकली आपका बैकग्राउंड चेंज हो सकता है। तो मैं चूज़ फाइल पर क्लिक कर लेता हूँ एंड कोई भी फोटो, फॉर एग्जाम्पल हम ये वाला फोटो सिलेक्ट कर लेते हैं, तो ये वाला फोटो का बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। एंड मैं क्लिक करता हूँ चेंज बैकग्राउंड पर एंड उसका कोई भी बैकग्राउंड आपको सिलेक्ट कर सकते हो, आपको कोई भी ऐप की ज़रूरत नहीं है, पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, रिमूविंग हो रहा है यहाँ पर बैकग्राउंड एंड उसके बाद से आपको बहुत से प्रीसेट बैकग्राउंड मिल जाते हैं, यानी बिल्कुल ही फ्री। आप देख सकते हो मैंने एक भी रुपये पे नहीं किया। आप चाहते हैं प्रीमियम प्लान भी बाय कर सकते हैं, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो हमारा बैकग्राउंड रिमूव इजीली हो गया, अब आपको क्लिक करना पड़ेगा एडिट पर, जिससे कि आप इसे एडिट कर सकते हैं ऑनलाइन पे ही। एंड यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो कितने सारे बैकग्राउंड से, तो मैं ये वाला बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ, देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। मगर यहाँ पर नीचे थोड़ा फॉल्ट हो गया, नीचे थोड़ा सा कट हो गया, तो उसका हम ठीक कैसे करेंगे, आपको जाना पड़ेगा यहाँ पर ऊपर मिल रहा होगा रिस्टोर एंड इरेजर, अभी इरेजर पर सिलेक्ट है, आपको क्लिक करना पड़ेगा रिस्टोर पर।
तो जो भी फोटो, जो भी चीज़ आपको रिस्टोर करना है, उस पर आपको एक ब्रश करना है। जैसे तो मैंने ब्रश कर दिया, यानी पूरा पार्ट फिर से आ गया। अब कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आप चाहे तो शैडो ऐड कर सकते हैं और वी रियलिस्टिक बनाने के लिए, एंड शैडो को मूव भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। तो कितना बढ़िया लग रहा है, जैसे तो कितना अच्छा। अगर आप फोटोशॉप पे करने जाएंगे तो बहुत सारे स्टेप आपको करना पड़ेगा, एंड यहाँ पर आपको एक दो स्टेप में ही हो गया। आप चाहे तो कोई और बैकग्राउंड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे तो ये वाला बैकग्राउंड, तो ये तो काफ़ी कूल लग रहा है। इसे तो मैं अपना प्रोफाइल पिक्चर भी बनाने वाला हूँ, तो इसे हम सिंपली कर लेते हैं डाउनलोड। तो डाउनलोड ये वाला फोटो हो गया, कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पर हमारा डेट भी रिमूव हो गया ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर कस्टम का ऑप्शन है, आप कोई भी कस्टम इमेज भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं डॉगी वाला इमेज ऐड कर दे सकते हो, डॉगी के सामने ये वाला चीज़ आ चुका है। तो कितना बढ़िया है, इसके कस्टम फिट फुल विथ फुल हाइट ये भी चेंज कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा फीचर है। और भी आपको बहुत सारे फीचर आपको मिल जाएगा। आपका टिकटॉक का वीडियो सेव कर सकते हो लिंक पेस्ट करके, स्क्रीन रिकॉर्डर, आपको बैकग्राउंड रिमूवर, वीडियो कन्वर्टर, फेस एनिमेटर, वीडियो टू GIF, वीडियो का स्पीड, ऐसे करके बहुत सारे आपको चीज़ें मिल जाएगा, बहुत सारे टूल्स एंड सॉफ्टवेयर, इसे आप ब्राउज कर सकते हैं। ऊपर आपको मिलेगा प्राइसिंग, तो प्राइसिंग हम देख लेते कितना प्राइस आ रहा है। तो इस वाले प्राइसिंग में देखो तो कितने सारे फ्री आपको मिल जाता है, आपको एक भी रुपये पैसे पे करने की जरूरत नहीं है। 6 files per day, यानी आप दिल में 6 चीज़ें, आप 6 टूल यूज़ कर सकते हैं, यानी मैक्सिमम 20 MB का फोटो सपोर्ट करते हैं। तो ये कैसे काम करता है आपको दिखाता हूँ। मैं इसको पहले डुप्लीकेट कर लेता हूँ, एंड अगर मैं किसी एक फोटो को मैं करना चाहूँ, ये वाला फोटो है 20 MB से ज़्यादा है, तो मैं अगर 20 MB से ज़्यादा, आप इसका साइज 26 MP है, सॉरी मेगाबाइट्स, इसका हम कर लेते ओपन, एंड यहाँ पर दिखा रहा है 20 MB से ज़्यादा फोटो आप अपलोड नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप इसका प्रीमियम प्लान ले सकते हैं, अनलिमिटेड साइज, अनलिमिटेड फाइल्स पर डे, फास्ट डाउनलोड स्पीड। ये मंथली प्लान है, ईयरली प्लान है। तो आप चाहे तो फ्री सर्विस यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्जी। अगर आप प्रोफेशनल काम के लिए करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप इजीली बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में एंड पिन कमेंट में, तो आपको जरूर से यूज़ करना चाहिए। आज के दोस्तों इतना ही, मिलता है।